वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और अभी देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैं बात करने वाला हूँ, तो आज आप लोग देखिए भी डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक शार्प मूव, फिर ऊपर एंड डाउन, और अभी फिर से एक डब्लू टाइप का पैटर्न मार्केट बनाने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है यानी कि 3600, जिस दिन इसके ऊपर डेली कैंडल क्लोज होती है, तब मार्केट में फिर से एक अच्छा मूव 38000 के लिए, अगर 36000 पे अगर क्लोजिंग मिलती है मार्केट की, तब जाके फिर एक अच्छा मूव मिलेगा मार्केट में 38000 के लिए, 38-39000 के लिए, मतलब फिर मार्केट तब अपने एक हाई के लिए जा सकता है। ये तो है देखिए डेली टाइम फ्रेम का व्यू। बट अभी क्या है, मार्केट देखिए काफ़ी, मतलब ये 3-4 दिनों से काफ़ी मार्केट क्या है, अपसाइड मूव बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ से देखिए पूरी वीक मार्केट अपसाइड, मतलब क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज करता जा रहा है, नया व्यू देता ही जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर हमको मंडे को इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है तो हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या व्यूज़ हो सकते हैं, चलो आइए देखते हैं। तो इंट्राडे के लिए ज़्यादातर अगर हम 5 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो अब देखिए जो फ्राइडे को मार्केट ने मूव किया था, वो मार्केट का मूव उस डे के हाई को तो ब्रेक किया नहीं, मार्केट उसके नीचे ही कंसोलिडेट करता हुआ रह गया। तो अब मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप होता है, अगर मान लीजिए कि मार्केट गैप अप होता है, अगर 35200 या 200 के ऊपर कुछ पॉइंट्स गैप अप होते हैं, तो ये जो बायर है ना यहाँ पे, ये बायर और यहाँ जब मार्केट क्लोज हुआ है, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों होते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और अगर गैप अप है तो मार्केट इनका एसएल या इनको डराने या इनको खाने के लिए थोड़ा ज़रूर आएगा, तो हमें एक पुट साइड में मूव मिल सकती है अगर मार्केट गैप अप होता है तो। और अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो ये लोग तो निकल जाएंगे मार्केट से, क्योंकि इनका एसएल होगा तो ये तो निकलेंगे ही। लेकिन अभी भी यहाँ वाले जो बायर हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि इनका तो काफ़ी ज़्यादा मूव हो गया और मार्केट वहाँ से नीचे भी नहीं आया, फ्लैट मार्केट वहीं कंसोलिडेट करता रह गया, तो ये भी एक मूवमेंट के लिए हमारे लिए काम में आ सकते हैं। बट ज़्यादातर ओपिनियन है अगर गैप अप होता है तो हमारे लिए ये बायर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। अगर हम हमारा मार्केट अगर यहाँ कहीं ओपन होता है 35200 पे, या फिर कुछ फ्लैट ओपनिंग हो और मार्केट अपसाइड चला जाए, तो फिर ये जो कल का हाई है इसको ब्रेक करने के बाद फिर एक बार मार्केट नीचे की साइड में आएगा, तो हम पुट देख सकते हैं। तो थैंक यू। तो हम देखते हैं अभी अगले दिन इसमें क्या मूवमेंट होती है।